जब तुम समझ लेते हो कि एक दिन तुम मर जाओगे, तुम जिंदगी जीना समझ जाते हो। प्रवचन शुरू किया गया है। तो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट मैं पहला प्रवचन क्या देना चाहता हूँ, मैंने सोचा बहुत टाइम सोचा, बिकॉज ये जनरली सवाल अच्छे नहीं होते, पहला प्रवचन ब्ला 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 ब्ला, मेरे को जनरली ये सवाल पसंद नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कि ना व्हाई नॉट क्रिएट अ माइक ड्रॉप मोमेंट, दिस बी द लास्ट द वन एंड द ओनली प्रवचन दैट आई नीड टू गिव यू। इफ यू वॉच दिस यू कैन एंड दिस वीडियो एंड मूव फॉरवर्ड फॉर एवर, इट डज नॉट मैटर एनी मोर, यू डोंट वॉन्ट टू वॉच, यू डोंट वॉन्ट टू सब्सक्राइब दिस, नन ऑफ दैट। ये मेरे ख्याल से लाइफ का सबसे यूनिवर्सल और सबसे अल्टीमेट ट्रूथ है, और इसका फिलोसॉफिकल बेसिस है मेरा ये बिलीफ दैट ऑलमोस्ट ऑल फिनोमेना वर्थ एक्सप्लोरिंग, सारी वो चीजें जिनके बारे में हमको विचार करना चाहिए वो पैराडॉक्सिस के ऊपर बिल्ट होती हैं। तो लाइफ को समझने का सबसे अच्छा तरीका है डेथ को एक्सेप्ट कर लेना। महाभारत में एक स्टोरी है यक्ष की, जब पांचों पांडव वनवास के लिए निकले होते हैं, एक टाइम उनको प्यास लगती है, तो सब धीरे धीरे करके ना एक एक भाई जाके पानी ढूंढना शुरू करता है। सबसे पहले छोटा वाला भाई जाता है, वापस नहीं आता। उसके बाद नकुल जाता है, वापस नहीं आता। फिर अर्जुन जाता है, वापस नहीं आता। फिर भीम जाता है, वापस नहीं आता। तो युधिष्ठिर को फिक्र हो जाती है। युधिष्ठिर धर्मराज सबसे समझदार होता है उनमें से, वो पांचवा भाई जाता है द्रौपदी के कहने पे कि यार तुम्हारे चारों भाई, मेरे चारों पति वापस नहीं आए, तुम देख के आओ। तो युधिष्ठिर जाता है, पानी के किनारे पहुंचता है, तो देखता है कि उसके चारों भाई बेहोश पड़े हैं, सम्मोहित पड़े हैं। अचानक से पॉन्ड में से यक्ष, एक वाटर स्पिरिट, निकल के आती है और वो युधिष्ठिर से बोलती है कि मैं तुमसे पांच सवाल पूछूंगी, और तुमने अगर पांचों का सही जवाब दे दिया, अपने भाइयों को और पानी तुम दोनों ले जा सकते हो, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे भाइयों जैसा हो जाएगा। और ये जो स्टोरी है ना, मेरे लाइफ के, मेरी जिंदगी में मेरे और फिलॉसफी के इंटरेक्शन का पहला इंस्टेंस है। मैं 3 या 4 साल का था जब मेरे पापा ने मेरे को ये स्टोरी सुनाई, और ये सारे क्वेश्चंस तो जो यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है ना, ये बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं। और उनमें से एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वन सर्टेनिटी इन लाइफ, वो क्या चीज़ है जिंदगी में जो निश्चित है, क्या चीज़ है समय में जो कुछ नहीं बदल सकता। और युधिष्ठिर उसका आंसर देता है डेथ, मृत्यु, मौत निश्चित है, और वो जवाब सही होता है। बट मेरे को मौत को समझने का कीड़ा उस टाइम पे 4 साल की उम्र पे जाके लगा, और मैंने इस बारे में बहुत विचार किया। और अराउंड आई मस्ट हैव बीन 18 or 19 व्हेन आई केम अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटो मोरी इन द स्टोइक लिटरेचर। स्टोइक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, इनका एक कॉन्सेप्ट है मोमेंटो मोरी का। और जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो इट केम टू मी एज नो सरप्राइज, मोमेंटो मोरी लिटरली ट्रांसलेट्स इनटू रिमेंबर डेथ, बिकॉज मैंने सोचा यार ये तो काफ़ी टाइम से मैंने बांध रखा है। बट उस मोमेंट पे मैं इसको एक्सप्लोर कर पाया, इस ख्याल के इम्प्लिकेशंस, इस ख्याल के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर कर पाया, और वो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरीके से थे। मेरे को समझ में आया कि टू मेक पीस विद डेथ, टू अंडरस्टैंड एंड ट्रूली मेक पीस विद डेथ लिबरेट्स यू इन लाइफ, एंड दिस इज हाउ इट डज दैट। लाइफ ना इज, somebody said this to me in a very comical way, कहता है लाइफ ना रोज की दाल रोटी है और कभी कभी की बिरयानी है। What that means is most life जो है ना वो saddening, upsetting, दुख, जो बुद्धा ने दुख कहा था जिसको, एक prolonged state of losses है, और कभी कभी वो रसमलाई, कभी कभी वो victory साथ मिल जाती है, और हम लोग पूरी लाइफ जो है ना उन लॉसेस को बैर कर पाने में ढंग से और फिर विक्ट्री तक पहुंच पाने में लगा देते हैं, या उससे डर के पीछे बैठ जाने में लगा देते हैं। और इन इस प्रोसेस ऑफ लॉस से गुजरने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। पहली चीज है लॉस को ले पाना, और दूसरी चीज है उसके बाद खड़े हो पाना। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग रफली जीतना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी हैज सम वेग आइडिया ऑफ अ गेम जो, और तुम जीतने को कैसे भी डिफाइन कर लो, मैं अपने घर वालों के साथ बहुत टाइम निकालना चाहता हूँ वो भी जीत है। हम इन सम सेंस किसी ना किसी गेम में जीतना चाहते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए द स्पिरिट ऑफ परसिवियरेंस, द एबिलिटी टू लूज एंड द एबिलिटी टू स्टैंड बैक। And death is the facilitator of both those things. What death reminds you, because most of us think of death as some कोई ये कोई दूर distant कोई एक चीज़ है जो मेरे पड़ोसी के दादाजी या मेरे लखनऊ वाले ताऊ जी को होती है। This is death, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को होता है। हम लोग, हमें पता है, we know the fact that death will occur, but हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं, पैक करते हैं, ड्रॉर में रख देते हैं, जब तक कि हम बूढ़े ना हो जाएं तब तक हमें सोचना ना पड़े। बट जो आदमी उसको ड्रॉर से निकाल के पहन लेता है ना, उस अंडरस्टैंडिंग को कि वो एक दिन मर जाएगा, वो 2 चीजें रियलाइज कर देता है। पहली चीज तो ये कि इस सब का कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स 14 बिलियन साल पुराना है, एवोल्यूशन
4 बिलियन साल पुराना है, इफ आई गॉट माई फैक्ट्स राइट। तुम 80 साल जियोगे, तुम्हारी लेगेसी और 20 साल जिएगी, फिर तुम्हारा नाम शक्ल सब सब भूल जाएंगे। तुम्हें जो लग रहा है ना ये चीजें इतनी बड़ी है, वो कॉलेज, वो रोमांटिक पार्टनर, वो फलाना, वो नहीं मैटर करता लॉन्ग रन में, वो नहीं मैटर करता, वो सब खत्म हो जाएगा और सब भूल जाएंगे उसको सब। ये काफी डार्क रियलाइजेशन है। और ऑन द अदर हैंड व्हाट यू रियलाइज इज ये मोमेंट आज के बाद, इस मोमेंट के बाद कभी नहीं आने वाला, कुछ भी कर लो नहीं आने वाला। मैं एक ही दिन 23 साल और 360 दिन का आऊंगा, मैं एक ही बार अप्रैल की सर्दी में या गर्मी में या जो में भी मैं बाहर तारे देख रहा हूं, ये एक ही बार होगा मोमेंट। चाहे तुम कुछ भी इसके जैसा एक मोमेंट हो सकता है, लेकिन ये मोमेंट एक ही बार होगा और फिर नहीं होगा। और इससे ना एक इन्फिनिट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड मिल जाता है। तो होता क्या है, फ्रॉम रियलाइजिंग कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती, मेरे को हारने की परमिशन मिल जाती है। ठीक है, क्या हो गया, मैटर करता कि इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। और जैसे ही मेरे को ग्रैटिट्यूड जैसे इन्फिनिट रिवॉर्ड का एक्सेस मिल जाता है, तो मैं सिर्फ नाचने में, सिर्फ ट्राई करने में ही खुश हो जाता हूं। तो एक तो मैं फेल करने में खुश हो गया, और दूसरा मैं ट्राई करके खड़े होने में खुश हो गया। उसके बाद तो वट एवर सक्सेस, विक्ट्री, वट एवर यू वॉन्ट, इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और इस पैराडॉक्स पे लाइफ की सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वंस यू रियली एक्सपीरियंशली, सिर्फ कॉग्निटिवली नहीं, सिर्फ दिमाग में नहीं, अपने शरीर में जब तुम समझ लेते हो कि एक दिन तुम मर जाओगे, तुम जिंदगी जीना समझ जाते हो।